हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो इस वक्त और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है। हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। और आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स और हायरोफेंट। तो ये आप दोनों की फीलिंग्स के लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने। इन कार्ड्स को अब मैं क्लैरिफाई करूंगी। आपकी एनर्जी में हाई प्रीस्टेस क्यों है, आपकी एनर्जी में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है। ओके, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ कप्स क्यों है आपकी एनर्जी में। बाइस, थ्री ऑफ कप्स हियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। वाई इज एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, द एम्प्रेस। आपके पर्सन की एनर्जी में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की। किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट क्यों है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइंस अगर मैं बताऊं, पाइसीस मीन राशि, टॉरस वृषभ राशि और अगेन पाइसीस और टॉरस ज्यादा है यहाँ पे और बाकी तो ऑल 12 साइंस है। ओके, सबसे पहले तो अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं और मैं अगर एक कंपैरिजन करूं ना आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स या इमोशंस में, मुझे आपके पर्सन आपके कंपैरिजन में चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, आप लाइट हार्टेड एनर्जी में नहीं हो बिल्कुल भी। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बकवास सुनना नहीं चाहते हो आप, कोई मतलब आपकी हाई बाउंड्रीज है इस वक्त और आपके पर्सन की कंपेयर टू यू काफ़ी चिल दिख रहा है मुझे आपके पर्सन। ठीक है, आपको चीज़ों का ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इमोशनली मेंटली और आपके पर्सन को उतना अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, चलो एक एक करके बात करते हैं। आपकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है इसमें, आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है वो आप देखिए, आप बेटर जानोगे। एक तो ऐसा है यहाँ पे कि आप अपनी आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं छुपा रहे हो। ओके, आप लो प्रोफाइल हो रहे हो, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, आप दिखना नहीं चाह रहे हो, ओपन अप नहीं होना चाह रहे हो। ओके, ये आपकी एनर्जी मुझे सबसे पहले दिख रही है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ये पर्सन छुपा रहे आपसे। ओके, या तो ये उनकी फीलिंग्स हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है जो आपको लग रहा है मेरे सामने क्लियर नहीं निकल के आ रही है, या इनके इंटेंशंस हो सकते हैं जिसके वजह से आप इस रिश्ते को अपनी तरफ से कहीं ना कहीं
आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, अब एक फुल स्टॉप कह सकते हो या कॉमा लगा दिया है आपने। आपको आप अड़के बैठे हो कि जब तक मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती है इस पर्सन के बारे में या इनकी फीलिंग्स के बारे में या कोई और चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते या आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब इनमें से कौन सा है वो आप बेटर जानते हो। कंपेयर किया जाए आपके पर्सन की फीलिंग्स से तो आपके पर्सन ओपन है टू टॉक टू यू, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके पर्सन मुझे आप ना फुल ऑफ इमोशंस दिख रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो वो इमोशनली कर रहे हो, कंपेयर टू योर पार्टनर जहाँ पे वो चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। यू नो मतलब वो नॉट अ बिग डील काइंड ऑफ एनर्जी है। अगर आज आप उनको मैसेज कर देते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उनका रिप्लाई आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इस पर्सन को मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ये जो भी कर रहा है मेरे साथ या इसने जो भी किया इसको तो कुछ लग ही नहीं रहा, ये तो सीरियस ही नहीं है। आपको ऐसी फीलिंग डेफिनेटली आएगी इनकी बातों से, ओके। आपको लगेगा इस पर्सन को तो मतलब जितना फ़र्क मुझे पड़ रहा है, मैं टेंशन ले रही हूँ यहाँ पे या ले रहा हूँ, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी बात ये करेंगे, ऐसा रिएक्ट ये करेंगे, क्योंकि ये तो आपसे बात करना चाहते हैं अभी, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में है, कोई हैवी एनर्जी नहीं है इनकी। कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिसेस, रोना धोना, ड्रामा, ये सब वो नहीं करना चाहते। लेकिन आप उस मूड में हो जहाँ पे आप फुल ऑफ इमोशंस हो कि भाई मुझे क्लैरिटी दो, मुझे बताओ, यू नो, या फिर तब तक मैं चुप रहूँगी या रहूँगा, ये आपकी एनर्जी लग रही है मुझे। अब अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें, आप ना रीयूनाइट होना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप इनके साथ मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, पहले जैसा रिश्ता रखना चाहते हो, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे मेरी वैल्यू मिले, मुझे मेरी रिस्पेक्ट मिले। आपको ऐसा हो गया है ना, आप अपनी रिस्पेक्ट को लेके बहुत कॉशियस हो गए हो कि भाई तू मैं अगर मेरी रिस्पेक्ट करेगी करेगा तो ही कुछ हो सकता है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप छोटी मोटी ऑफर या छोटी चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे हो। आप जो चाहते हो वो बड़ा चाहते हो कि जब तक ये पर्सन मेरी वैल्यू नहीं समझेगा, मुझे लेकर सीरियस नहीं होगा, मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, मैं जो डिजर्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिलेगा, तब तक ये यूनियन तो नहीं हो सकता या इसके साथ मैं हंसी खुशी तो नहीं रह सकती। हो सकता है इस पर्सन ने ना आपको ऐसा फील हुआ हो या मे बी ऐसा हुआ भी हो, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करने का ट्राई किया, लेकिन आप रेडी नहीं हो फ्रेंड जोन होने के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, यू आर रोमांटिकली इन लव विद दिस पर्सन, और ये पर्सन बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी लेकर आते हैं जो आपको पसंद नहीं है। इस वक्त आप उस मूड में ही नहीं हो, ठीक है। वेयर एज कंपेयर किया जाए आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ छुपाया भी है आपसे या कुछ झूठ बोला है या कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था इनको आपके साथ, उनको उस चीज का जरा भी रिग्रेट नहीं है। उनको लग रहा है ठीक है झूठ बोल दिया, व्हाट अ बिग डील इन दैट, तो क्या झूठ बोल दिया, छुपा ली चीजें तो क्या, इस टाइप का माइंडसेट या इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की। और कहीं ना कहीं देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना सीरियसली नहीं ले रहे इस पूरे कनेक्शन को, वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस रिश्ते को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। उनको लग रहा है ठीक है तो क्या, व्हाट अ बिग डील, कहाँ जाना है सामने वाले ने, फिर बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, इस रिश्ते को। और हो सकता है ये ना आप पे उतना ट्रस्ट नहीं करते कि वो मतलब जैसे आप सोच रहे हो ना कि मुझे इस पर्सन के साथ तो शादी ही करनी है डायरेक्टली, मतलब आपने सोच ही लिया है कि शादी ही करनी है, आप बहुत सीरियस हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी उतना नहीं है ट्रस्ट उन्हें आप पे कि वो शादी वादी के सोचने लग जाए आपके साथ। प्यार करते हैं, सीरियस है, जेन्युइन फीलिंग्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको और परखना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, ठीक है। आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं हाई बाउंड्रीज बना के बैठे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो,
आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे सरासर मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, मुझे इसके इसके साथ मेरा रिश्ता कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपका भी ट्रस्ट डगमगा रहा है कहीं ना कहीं, प्यार आप पूरा पूरा करते हो ठीक है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि पर्सन आखिर चाहता क्या है मुझसे, क्योंकि वो दिखा ही ऐसा रहे है, वो कंफ्यूज कर रहा है आपको ठीक है। और आप कहीं ना कहीं खुद से ही फाइट कर रहे हो, आप डिफेंसिव भी हो रहे हो, आप फाइट भी कर रहे हो, आप अड़े हुए भी हो, मतलब आपकी मुझे ना एनर्जी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही है। आप ओवरली इमोशनल, ओवरवेल्म्ड हो गए हो बहुत ज्यादा। आपको चाहिए कि भाई क्लैरिटी दो, कमिटमेंट दो, अश्योरेंस दो, टाइम पास नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके क्लियर बताओ क्या चाहिए, क्या सोच रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। ओके और अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो ये पर्सन अपने आप में काफी मुझे परिपूर्ण दिख रहे हैं, देर हैप्पी। ओके मुझे आप दुखी दिख रहे हो, ये पर्सन दुखी नहीं है, ये बराबर अपनी लाइफ को चला रहे हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, अपना करियर कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन इन देयर लाइफ। कोई ऐसा जो दिक्कत नहीं है इस वक्त उनके लाइफ में, या कोई कमी नहीं है ऐसा उनको लग रहा है। देखो ऐसा नहीं कि वो आपको पाना नहीं चाहते, वो आपसे प्यार नहीं करते, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन बोल रहे हो ना मैं, कंपेयर अगर किया जाए ये पर्सन चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को। देखो ऐसा भी नहीं है कि उनको आपसे शादी करनी ही नहीं है, या वो आपके साथ फ्यूचर देख ही नहीं रहे हैं, बट वो उतना मतलब सीरियसली एकदम कमिट नहीं हो गए आपसे दिल से कि भाई करनी है तो इसी से शादी करनी है, वरना मैं तो शादी करूंगा ही। हाँ चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि इन्होंने ठान लिया है कि आपसे शादी करनी है, उस लेवल का ट्रस्ट नहीं है उन्हें अभी। ओके वेरज आपको पूरा ट्रस्ट है और आप चाहते भी हो और आप करोगे भी, मतलब अगर डिसीजन आएगा ना, वक्त ले डिसीजन लेने का वक्त आएगा, आप डिसीजन ले लोगे, और ऑलरेडी आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है। सो वही मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं ठीक है, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, अगर आप इनको आज मैसेज कर देते हो रिप्लाई भी आ जाएगा, बट ऐसा मैसेज आएगा ना आपको लगेगा कि यार क्या इस पर्सन को मुझसे प्यार नहीं है, ये कैसे रिप्लाई कर रहा है, ये दोस्त की तरह क्यों बात कर रहा है। तो लाइट हार्टेड एनर्जी है इस पर्सन की, बट ऐसा भी नहीं कि आपको खोना चाहते हैं, खोना भी नहीं चाहते, यू आर वेरी प्रेशियस टू दिस पर्सन। और वही आपकी फीलिंग्स देखे तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस बहुत है और आप परफेक्ट हो ठीक है, और आप कंप्लीट हो, आप एक पैकेज हो पूरा, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप काइंड हार्टेड भी हो, आपके पास सब कुछ है और आपको ऑफर्स भी आते हैं, आपको सॉलिड ऑफर्स भी आते हैं। मे भी आपको कुछ लोग शादी के लिए भी पूछ चुके हैं, या पूछते हैं, या पूछ सकते हैं, आप उतनी आपके पास है, आपकी उतनी पोटेंशियल है, उतनी क्वालिटीज आप में है, और आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए आप इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट की ही उम्मीद कर रहे हो, आप टाइम पास नहीं करना चाहते, आप उस लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हो, टाइम पास वाला माइंडसेट आपका है ही नहीं। और देखो मैं वही बोल रही हूँ, आपके पर्सन भी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में फैमिलीज अलग है, या उनकी फैमिली उनकी कभी भी लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, या मे बी उनकी फैमिली में, उनके घर वालों में फैमिली में शादी की बातें चल रही है उनकी ऑलरेडी ठीक है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो नहीं मानेगी, लव मैरिज नहीं अलाउ करेगी और मैं स्टैंड नहीं ले पाऊंगा। तो उनके अपनी कुछ दिक्कतें मुझे दिख रही है जो उनको बहुत अच्छे से पता है, उसको वो डिनाई नहीं कर रहे ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैंग्ड मैन क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज हैंग्ड मैन हियर, फॉरगिवनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक में सीक्रेट्स है। नहीं एक काम करते हैं, चलो सारे कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्योंकि मैं अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगी अगर मैं सारे कार्ड्स निकालती हूँ तो। गिल्टी। सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, व्हाई इज सेवन ऑफ कप्स हियर, सैबोटेज। एम्प्रेस क्यों है, रिफ्लेक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, कंफ्यूजन। किंग ऑफ कप्स क्यों है,
इनडिसाइसिव, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है ब्रोकन, और फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, थर्ड पार्टी, ओके। सबसे पहले अगर आपकी फीलिंग्स देखी जाए, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप इस पर्सन से, जैसे मैंने बोला, क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो पर्सन मुझसे माफ़ी मांगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, जो है जैसा फील करते हैं क्लियरली शो करे, क्लियरली एक्सप्रेस करे, ओके। मुझे ना ऐसा लगता है आप कहीं पास्ट में ही अटके हुए हो, इस पर्सन ने ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा कहा, आप उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं अटके हो, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, आप एक सिंगल चीज़ को नोटिस कर रहे हो और उसी पे स्टक हो गए हो, ओके। जब तक आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे, आप इनको माफ़ नहीं करोगे या खुद को माफ़ नहीं करोगे, जो हो गया सो हो गया ये वाला एटीट्यूड नहीं रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। आप देखो क्या है ना कि कई बार आपका इंट्यूशन आपको बता रहा होता है कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है या आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते और फिर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो और फिर कहीं ना कहीं आप उसी जगह पे अटक जाते हो कि ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, जब पहले आपको अपना इंट्यूशन आपको गाइड कर ही रहा था कि इंसान ऐसा है या ऐसा कर सकता है, तब आपने अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुनी। आपके पर्सन की फीलिंग्स वगैरह देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन तो रेडी है आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है इस वक्त वो उनको कंफ्यूज कर रहा है, ओके। ये पर्सन अपने एक्शन को लेकर ही कंफ्यूज है कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मैं बात करूँ या नहीं करूँ, सामने वाला उस मूड में है या नहीं, सामने वाला उस माइंडसेट में है या नहीं, ये अभी कंफ्यूजन वाले माइंडसेट में, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी आपके लाइफ में अभी जगह भी है भी या नहीं, या आप उनको चाहते हो भी या नहीं। दे आर वेरी कन्फ्यूज, ओके, दे आर वेरी अनक्लियर अबाउट देयर सिचुएशन और देयर जगह, उनकी जगह आपकी ज़िंदगी में क्या है वो नहीं जानते। वेर एज कमिंग टू योर फीलिंग्स, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपको बहुत हैवी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस इंसान से प्यार किया, यू नो, मैंने सब कुछ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप बहुत गिल्टी फील कर रहे हो कि मेरी वैल्यू नहीं हुई, मैंने खुद की वैल्यू नहीं करी और इस पर्सन ने भी मेरी वैल्यू नहीं करी। आपको लग रहा है कि ये मेरी गलती है कि मैंने इस पर्सन को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने दिया, ये मेरी गलती है। आप सारी गलती अपने ऊपर ले रहे हो इस वक्त, और आप जो भी डैमेज हुआ है इस रिश्ते का, आप उसको इसलिए खुद पे डाल रहे हो, उसका जो क्या कहते हैं उसको, उसके पीछे का जो वजह है आप खुद को मान रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वैल्यू थी लेकिन मैंने इस पर्सन के प्यार के वजह से, इमोशनल होने की वजह से जाने दिया, चीज़ों को लेट गो करती रही और करता रहा, जो भी आपका जेंडर है, और आज मेरी ये हालत है, ठीक है। आपको सबसे बुरा इसलिए लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, आपके आपको हर्ट हुआ है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो देखो, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, उनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और अब आप उन पर शायद ही ट्रस्ट करते हो, ठीक है। सही टाइम पे सही डिसीजन ना ले पाना या गलत डिसीजंस लेना, इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब एक गिल्टी तो दिख रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं जितना होना चाहिए। वो बस ऐसा सोच रहा है कि मैंने डिसीजन नहीं लिया सही टाइम पे, यू नो, या मुझे कह देना चाहिए था, अब शायद ही सामने वाला मुझ पे ट्रस्ट करेगा। गिल्टी नहीं कह सकते, लेकिन उनको ये समझ आ रहा है कि मैं डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाता, या मैं प्रायोरिटी नहीं दे पाता, या प्यार नहीं दे पाता, स्टैंड नहीं ले पाता, ठीक है। आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको ना बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाओ, सब कुछ सही हो जाए, रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन आप इतने डिफेंसिव हो रखे हो, क्योंकि इस पर्सन ने रीज़न दिया है आपको डिफेंसिव होने के लिए, वजह ये पर्सन ही है, इन्होंने रीजंस दिया आपको डिफेंसिव होने के लिए, ठीक है। आप पागल थोड़ी ना हो कि जिससे आप प्यार करते हो उससे आप दूर रहोगे, आपको वजह दी गई है ना, तो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है कि यार कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब खराब ही होते जा रहा है। आपको खुद पे भी गुस्सा आ रहा है, कहीं मैं ज़्यादा ही डिफेंसिव तो नहीं हो रही, मैं ज़्यादा ही खुद के बारे में तो नहीं सोच रहा। आप ऐसा भी सोच रहे हो और वैसा भी सोच रहे हो, आपकी ऐसी हालत हो गई है ना, ना यहाँ ना वहाँ, आप बीच के बंदर पर बन गए हो।
वेर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर देखी जाए तो भले ही अभी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी वो चीज़ों को बहुत लाइट हार्टेडली ले रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको समझ आ रहा है धीरे धीरे, और ज़्यादा उनको सैड फील होगा आगे, जितना जितना टाइम आगे बढ़ेगा उनको ये चीज़ फील होगी कि सिर्फ पैसा दोस्त ये चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको खो देना वर्थ इट नहीं होगा। ठीक है, तो इनको धीरे धीरे समझ आएगा ये चीज़ें, ये इमोशनल धीरे धीरे होंगे, अभी ये प्रैक्टिकल माइंडसेट लेकर बैठे हैं, अभी उनको इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आएगा, इट विल हैपन ओवर टाइम। ओके, आपको जो अभी फील हो रहा है ना, कुछ समय बाद इस पर्सन को फील होने वाला है, और अभी वो जिस लाइट हार्टेड एनर्जी में है ना, आप उस वक्त उस लाइट हार्टेड एनर्जी में होंगे, तो बस वक्त वक्त की बात है, गिव सम टाइम। और आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त इसलिए दूर रह रहे हो सबसे, मतलब आपके पास बहुत ऑफर्स भी आ रहे होंगे, आपको बहुत अटेंशन भी मिल रही होगी, या इस पर्सन से भी मे बी आपको मैसेज आएंगे या आए होंगे, आपने इग्नोर किया होगा क्योंकि आपको लगता है कि भाई मुझे तू फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, मुझे जो ऑफर चाहिए वो दे वरना मत आ मेरे पास। ये आप इसलिए कर रहे हो ना, क्योंकि आप सबसे दूर इसलिए रह रहे हो क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पता है। ओके, और आपको ना दूर रहने की वजह से एक वक्त मिल गया खुद को क्लैरिटी देने का, खुद को समझने का, इन दूरियों की वजह से ही आप एक एम्प्रेस हो, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सो ये चीज़ है। और वेर एज ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो मैंने बोला ना कि इस पर्सन की या तो फैमिली बहुत बड़ा इशू है, ये इसलिए आपके साथ सीरियसली आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है, ये आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है इस केस में, वो नहीं आप दोनों को एक होने देगी या फैमिली प्रॉब्लम बन सकती है, तो फैमिली उनके केस में बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आप दोनों को ठीक से एक नहीं होने दे रही है, जो उनके अंदर डर क्रिएट कर रही है चीज़ों को लेकर, सॉरी गाइस लाइट बंद हो गई, बट फैमिली उनके लिए थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली थर्ड पार्टी, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, सो चलिए अभी आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वक्त, आपको क्या जानना है, क्या समझना ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त, क्या जानना समझना ज़रूरी है। एम्प्रेस, सी अगेन, आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, उसको एम्ब्रेस करो, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ये माइंडसेट रखो, तभी और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, कुछ खोया नहीं आपने, ठीक है, आप ऑलरेडी एम्प्रेस हो, परफेक्ट हो, कंप्लीट हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कंप्लीट करने के लिए। हायरोफेंट, आपको ये बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को आपको थोड़ा सा अपनाना है, एथिक्स नहीं भूलने हैं। ठीक है, जो करना है इंटीग्रिटी के साथ करना है, एथिकली करना है, कुछ गलत मत करिए किसी के साथ और अपने साथ भी। ठीक है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है लेकिन किसी और को ठेस पहुंचाए बिना। लास्ट, हैंग्ड मैन, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को कभी कभी ना लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम लेके सोचना, रिफ्लेक्ट करना, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देनी है। अगर आप इस रिश्ते में फंस गए हो, आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देनी है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना है, तब आपके पास वो सब आएगा जो आप चाहते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, तो देखो प्यार तो है आप दोनों के बीच में, ये प्यार सच्चा है और प्यार को प्यार से ही जीता जाता है, प्यार को नफरत से नहीं जीता जाता। ओके, होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके एट इट्स ओन टाइम, बस आप थोड़ा सा इम्पेशेंट मत होना। सो या, दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे कुछ गॉड्स आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन से गॉड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे काली माता है, तो कुछ लोग अगर यहाँ पे काली माता के भक्त हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करिए, अगर आप दुर्गा देवी के भक्त हैं तो भी मेंशन करिए, लीजिए क्या कहते हैं उसको, दर्शन ले लीजिए। ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा मुझे फायर साइन के लग रहे हैं, मे बी आप फायर साइन हो या आपके पार्टनर फायर साइन है, और राधा कृष्ण जी की भी यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, तो यहाँ पे कुछ लोग राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हैं। सो एनीवेज, कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड कोई भी सर्विस लेनी है जो मैंने एक्सप्लेन करी है, मैं रोज़ करती हूँ एक्सप्लेन, तो देखो ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है।
अगर आप सिर्फ रीडिंग्स ही सुनते रहोगे और आप क्रिस्टल्स यूज नहीं कर रहे हो या बाकी चीज़ें, स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है, ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बना रही हूँ, आपके बेनिफिट के लिए इसको एक्टिवेट करके आपको दे रही हूँ, तो अगर आप नहीं उसका यूज़ करोगे तो आप रीडिंग पे रीडिंग देखते रह जाओगे लेकिन उसका आपको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो जाओ क्रिस्टल्स बुक करो अपने लिए, अपने प्रॉब्लम्स बताओ मेरे टीम को, वो आपको बता देंगे कि किस प्रॉब्लम में आपको कौन सा क्रिस्टल हेल्प करेगा और मैं खुद उसको एक्टिवेट करके आप तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, व्हाट्सएप नंबर दिया है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो जल्दी जाओ व्हाट्सएप करो एंड बुक करो अपने अपने क्रिस्टल्स और स्पेल जार, स्पेल ऑयल। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।